क्या कहना चाहिए मैडम, आज फिल्म में हॉट सीन है और आप किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? एक मिनट, आपने कब देख लिया हॉट सीन? सॉन्ग है, अच्छा हाँ, सॉन्ग बड़ा ही प्यारा है। लाइट मिल रही है? लाइट ले लो, लाइट ले लो, लाइट कहना चाहिए मैडम, आज हॉट गाने के सीन किया जा रहा है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा सर के साथ, थोड़ा बताना चाहिए। सबसे पहले बता दूँ, मुझे लगा था कि राजू सिंह माही जी के साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ, तो मुझे उनका, उनकी एक्टिंग का, उनके डांस का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मास्टर जी ने हमको बताया स्टेप्स वगैरह, और उनके साथ में मैंने रिहर्सल की, तो फिर मैं फुल कॉन्फिडेंट हो गई। और अभी तक हमने भी आधा गाना कम्प्लीट कर लिया है, तो आई एम एंजॉयिंग विद हिम। राजू सिंह माही के साथ जो सीन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनके, इस बार एक अलग किरदार में नजर आ रहा है, आप उनके साथ एक अलग गेटअप में हैं? मुझे ये गेटअप बहुत पसंद आ रहा है, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, बहुत ही अलग किरदार है मेरा इस फिल्म में, और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, और सारे लोग यहाँ पे बहुत अच्छे कोऑपरेटिव है, तो एक नई टीम बनती है जब काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है, सारे लोग बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो अपने आप में बहुत अच्छा अचीवमेंट भी है, खुशी भी है। तू ही तो मेरी जान है राधा, जाहिर सी बात है ये एक लव स्टोरी है, और इसमें दो भाई हैं, और जो बड़े भाई हैं राजू सिंह माही, मैं उनकी पत्नी बनी हूँ, वो राजा हैं अपने घर के, मैं उनकी रानी हूँ, और उनका एक एरिया है, उनकी एक हवेली है, उनका एक रुतबा है, और शान और शौकत, ये वो सारी चीज़ें हैं, तो उनको, उनके जो कैरेक्टर में हैं ये सारी चीज़ें भरी पड़ी है, तो फिर मैं उनको रास्ता दिखाती हूँ कि शान शौकत, ऊंच नीच, मान मर्यादा, इन सबसे बढ़कर ज़िंदगी में प्यार होता है। जो उनके छोटे भाई बने हैं ऋषभ जी यानी कि गोलू जी, वो प्ले कर रहे हैं, और माही खान उनके साथ में हैं, इन दोनों का पेयर भी बहुत अच्छा है, और बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर को लेते हुए एंड में मैं सबको फिर यू नो हैप्पी एंडिंग वाला, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए स्टोरी में, हमेशा से होता आया है कि प्यार को लेकर के लोग सबसे पहले तो बगावत करते हैं, और फिर किस तरह से मैं अपने देवर को रास्ते पर लाती हूँ, और किस तरह से चीज़ें डेवलप होती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, लेकिन आप फिल्म देखेंगे तो आपको अच्छी तरह पता चलेगी। हमारे फिल्म के डायरेक्टर शमी तिवारी जी, मैं ये फिल्म कर रही हूँ, एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम उन्हीं से मैं मिली थी, और मुझे ऐसा लगा था कि राधा का कैरेक्टर तो कोई और कर रही है, मैं क्यों करूं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझे स्टोरी नरेशन दिया, तो मुझे लगा कि ये जो मेरा किरदार है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो लोग कोई हीरोइन ही ढूंढ रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो एक बार एक नया एक्सपीरियंस करके देखते हैं, तो उनके साथ में काम करने का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। प्रोड्यूसर नए हैं, बहुत ही शांत है, और वो भी शायद चीज़ों को समझ रहे हैं, और अभी तक काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं, उनका भी नेचर अच्छा है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, और बहुत ही फ्रेंडली माहौल बना हुआ है यहाँ का। थैंक यू सर। मात्र राजू जी, आज जिस फिल्म की शूटिंग है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं आप सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा और प्रणाम करना चाहूँगा। आज फ्यूचर स्टूडियो मुंबई गोरेगांव ईस्ट में आप लोग आए हैं, तू ही तो मेरी जान राधा 2 पार्ट 1 तो काफ़ी हिट रही है, ये पार्ट 2 बन रही है, तो आज इसका यहाँ सॉन्ग हो रहा है मेरा और संगीता जी का, जो कि ये काफ़ी देख रहे हैं आप लोग की लैबी जगह ली गई है, और ये कल से चल रहा है, आज गाना ख़त्म हो जाएगा, काफ़ी अच्छा डांस मास्टर जी कर रहे हैं, और अभी जस्ट उसी का सीन चल रहा था जो आप लोगों ने देखा है। क्या कहना चाहेंगे जो संगीता तिवारी जी के साथ जो हॉट रोमांस आप कर रहे हैं, एक वाइफ के साथ ऐसा रोमांस? बहुत बढ़िया, संगीता जी का कॉपरेट बहुत बढ़िया है, और संगीता जी चूँकि भाई सीनियर आर्टिस्ट है तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी कर रही हैं, और बहुत ही अच्छा, मतलब उनका अब क्या हम बोलें, एकदम ज़बरदस्त। बात करें जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि विलेन से हीरो, निगेटिव पॉजिटिव, हर प्रकार किरदार आप ही कर रहे हैं। राम जी देखिए, पर्टिकुलर मैं यहाँ पे विलेन बनने नहीं आया हूँ, मैं एक मतलब आर्टिस्ट हूँ, मतलब मुझे जो भी मिले, बढ़िया विलेन, कैरेक्टर, हीरो, मैं सब कुछ करूँगा। पर्टिकुलर मैं एक चीज़ पे अपना वो नहीं कि मैं विलेन ही बनने यहाँ पे आया हूँ, जो भी रोल मिले मैं उसको निभाऊँगा। इस फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे?
दर्शकों से अपील करूंगा कि फिल्म जाके सिनेमा हॉलों में देखेंगे और इसका रिजल्ट ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये फिल्म काफ़ी अच्छी बन रही है और हमारे डायरेक्टर साहब, राइटर साहब, लोगों ने बहुत मेहनत किया है। तो प्लीज़ वॉच दिस फिल्म। ओके, थैंक यू।